साथियों नमस्कार। आप सब भिन्न का जोड़ जरूर बनाते होंगे यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। यह एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, हर का लसह लेते हैं। लेकिन क्या यह सोचने का आप प्रयास किए कि हरों का लसह ही हम क्यों लें, हरों का लसह ही क्यों ले, मसह क्यों नहीं ले, यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम ही क्यों, एचसीएफ क्यों नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि एचसीएफ से भी बन सकता होगा, या नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है। तो आज हम इसी पे विचार करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको यह भी ऑप्शन देने वाले हैं कि एलसीएम के अलावा भी कुछ ऐसा चीज है जिससे भिन्न का जोड़ बन सकता है और रिजल्ट सेम ही आएगा। यानी भिन्न के जोड़ के बारे में पूरा चीड़फाड़, पूरा भिन्न का जोड़ है क्या, एलसीएम ले ही क्यों, ये सब पे आज बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक कर सभी का चर्चा करते हैं। सबसे पहले भिन्न के जोड़ में हम हरों का लसह ही क्यों लें, इसके लिए पहले हम बना लेते हैं जैसा कि आप बनाते हैं वही मेथड अप्लाई करते हैं, और उसके बाद आपको बतलाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो यहां अप्लाई हम मेथड यही कर रहे हैं इसमें कि दो और पांच का एलसीएम हो गया दस। अब क्या करते हैं, दो से इसमें भाग देते हैं, भाग देने पर पांच बार में कटा, ये पांच से ऊपर वाली संख्या में गुना होते, यानी तीन गुना पांच हो गया पंद्रह जोड़। अब फिर इस पांच से इसमें भाग देंगे, दो बार में कटा, अब देखिए तीन गुना दो हो गया छह, और यही इक्कीस बटा दस कर देते हैं। अब एलसीएम ही क्यों ले, ध्यान से समझिए। जैसे हमारे हाथ में यह चौक है खल्ली, और यह क्या है, डस्टर। तो यह भी एक वस्तु है, यह भी एक वस्तु। तो अगर आपसे हम पूछे कि हमारे हाथ में कुल कितने वस्तुएं हैं, तो दो आप कहिएगा, कुल कितना वस्तु है तो दो। लेकिन आपको हम कह दें कि हमारे हाथ में कितना चौक है, खल्ली कितना है, तो आप कहिएगा एक। क्यों एक कहिएगा, क्योंकि खल्ली और डस्टर कभी जोड़ नहीं सकता, दोनों अलग अलग चीज हो। तो जोड़ अलग अलग चीजों के साथ नहीं होता है, जोड़ जब भी होता है तो एक समान चीजों के साथ। अब एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर आपको हम कहें कि तीन लड़का और दो लड़का मिला के कुल कितना लड़का हुआ, तो आप कहेंगे कि पांच लड़का। लेकिन इसी के जगह पर अगर हम कहते कि तीन लड़का और दो लड़की को मिला के कितना लड़का हुआ, क्या जवाब होगा आपका, पांच लड़का या पांच लड़की। नहीं, क्यों, क्योंकि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों अलग अलग चीज है, तो वहां जोड़ संभव नहीं, वहां तीन लड़का ही रह जाता और दो लड़की। तो जोड़ करने के लिए एक समान चीजों का होना बिल्कुल आवश्यक है। तो पहले यह अब है क्या, यहां तीन बटा दो है, तीन बटा दो कहने का मतलब है कि यह एक बटा दो का तीन भाग है। अब यह है आपका तीन बटा पांच, तीन बटा पांच कहने का मतलब ये एक बटा पांच का तीन भाग है। तो दोनों अलग अलग चीज, एक बटा दो का है, एक बटा तीन का कुछ भाग, मतलब एक आम है तो एक इमली, एडिशन सब नहीं, एक लड़का एक लड़की, तो एडिशन नहीं हो सकता। लेकिन ये वाला केस में देखिए कि हम क्या कर दिए, ये था हमारे पास तीन बटा दो, इसको हम क्या लिख दिए, पंद्रह बटा दस कर दिए। इसको जब अलग अलग करेंगे तो पंद्रह बटा दस जोड़ छह बटा दस हो जाएगा। तो तीन बटा दो को हम कर दिए पंद्रह बटा दस, और क्या कर दिए, तीन बटा पांच को हम लिख दिए छ बटा दस। अब देखिए कि हुआ क्या, तो ये हो गया आपका एक बटा दस का पंद्रह भाग, एक बटा दस का पंद्रह भाग, ये हो गया क्या, एक बटा दस का छ भाग। अब आप देखिए कि दोनों एक समान है कि नहीं, ये है एक बटा दस का पंद्रह भाग, ये भी है एक बटा दस का ही छ भाग। लेकिन यहां क्या था, यह है एक बटा दो का तीन भाग, तो यह है एक बटा पांच का तीन भाग। यहां अलग अलग था लेकिन यहां एक समान हो गया ना, तो एक समान हो गया। अब एडिशन कर दिए, एडिशन कर दिए, यही पंद्रह गो एक बटा दस यहां से, छह गो एक बटा दस यहां से, कुल मिला के इक्कीस गो एक बटा दस हुआ, मतलब इक्कीस बटा दस हुआ। तो यह तो क्यों लिए एलसीएम, इसका काउच हुआ। अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या एलसीएम के जगह पर ऐसा कोई चीज है जिसके द्वारा भी बन सकता है भिन्न का जोड़। तो हाँ है, वो क्या है,
वो सिर्फ है समापवर्त, समापवर्त उसे बोलते हैं कॉमन मल्टीपुल। कॉमन मल्टीपुल भी अगर आप ले लेंगे, कोई भी मल्टीपुल, चाहे वो लोएस्ट हो चाहे वो हाईएस्ट हो या कोई बीच का हो, उससे कोई लेना देना नहीं। कॉमन मल्टीपुल आप ले लेंगे तो भी बन जाए। कॉमन मल्टीपुल क्या है इसके बारे में पहले वाला वीडियो में बतला चुके हैं, जिसमें एलसीएम एचसीएफ बताए। अगर आप उससे परिचित नहीं हैं तो उसे जरूर देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें। तो कॉमन मल्टीपुल ये भी एक कॉमन मल्टीपुल है, लेकिन सबसे छोटा वाला है 10। 10 के अलावा जो 2 और 5 का कॉमन मल्टीपुल होगा, इसके बाद होगा, मतलब 10 के बाद 20, 30, 40, ये सब इसका कॉमन मल्टीपुल। तो इसमें से आप कोई भी ले लीजिएगा ना डिनोमिनेटर में, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं। जैसे यही प्रश्न है, 3/2 जोड़ 3/5। हम यहां लिए 10, लघुत्तम लिए, लेकिन अब हम ले रहे हैं 20, उसके बाद वाला मल्टीपुल। तो देखिए 20 जब ले लिया तो फिर करेंगे वही, 2 से भाग देंगे तो 10 बार में कटा और 3 से गुना कर दिए, हो गया 30। 5 से भाग दिए, 4 बार में कटा, 3 से गुना किए, 12। अब देखिए ये कितना आया, 30 और 12 हो गया 42, अब बटा 20। अब इसे जब आप काटेंगे तो 2 से 21 बार में और 2 से 10 बार आ गया ना 21/10, सेम है ना, जो 21/10 यहां वो 21/10 यहां। अब एक और लेके दिखाते हैं, 3/2 जोड़ 3/5। 20 ना लेके हम 30 ले ले रहे हैं, तीसरा मल्टीपल 30 ले लिया, फिर 2 से भाग दीजिए, 15 बार में कटा, 3 से गुना करेंगे, 15 दिया 45, जोड़ 5 से भाग देंगे, 6 बार में कटा, 6 दिया 18, अब जोड़ दीजिए तो 8/5 13, 4/5 16/30। देखिए काट के 21/63, 10/30 आ गया ना, फिर 21/10। तो आप, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ लघुत्तम समापवर्त से ही बनाए, कोई भी समापवर्त से बन जाता है। एक्चुअल में यहां समहर किया जाता है, डिनोमिनेटर को इक्वल किया जाता है ताकि एक समान चीज आ जाए, देखने में ये लगे कि दोनों बिल्कुल बराबर। तो इसी तरह से ये बन जाता है, यानी समापवर्त ले या लघुत्तम समापवर्त ले। तो इतना अब हमें लगता है कि आप जरूर इससे समझ गए। अब इसी के जगह पे इस तरह का अगर रहता कि यानी पहले से ही डिनोमिनेटर बराबर है, तो यहां कुछ करने का आवश्यकता नहीं। यहां जो है हर दोनों जब एक समान है तो यहां कुछ करने का जरूरत नहीं। यह है 1/5 का 3 भाग, यह है 1/5 का 7 भाग, ये 3 भाग ये 7 भाग जुड़ गया तो 10 भाग। तो इसमें कहते हैं कि डायरेक्ट एडिशन कर दीजिए, ये 10/5 हो गया, आराम से बन जाता है। तो अगर जिसका हर बराबर है तो पहले से ही है, और नहीं तो एलसीएम के द्वारा या सीएम के द्वारा, कॉमन मल्टीपल से या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल से, हिंदी में कहें तो समापवर्त या लघुत्तम समापवर्त, किसी के द्वारा आप भिन्न का जोड़ बना सकते हैं। और यही सेम नियम लागू होता है भिन्न के घटाव में, भिन्न का घटाव भी आप या तो लघुत्तम समापवर्त लें या सिर्फ समापवर्त लें, आराम से बनेगा, रिजल्ट सेम ही है। अब चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं कि एलसीएम के जगह पर, यानी लघुत्तम समापवर्त के जगह पर, महत्तम समापवर्तक क्यों नहीं ले सकते। एचसीएफ भी लेकर के बनाए तो बन सकता है ना, तो देखिए क्या होता है। तो ले लीजिए एचसीएफ, 2 और 5 का HCF यानी मसह कितना हुआ, 1। अब आप ध्यान से देखिए, 3/2 में 2 को 1 बदलना है, इसको 1 में बदलना, तो क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो ऊपर भी इसमें 2 से भाग देना होगा, तो 3/2 ये आगे। अब देखिए 3/5 है, इसमें भी हर को 1 करना है, तो 1 करने के लिए नीचे 5 से भाग देंगे तो ऊपर भी 5 से भाग देंगे। अब बताइए कि नीचे तो 1 रहा लेकिन ऊपर फिर वही फ्रैक्शन आ गया ना, ऊपर फिर वही फ्रैक्शन आ गया कि 3/2 जोड़ 3/5 जो यहां था। तो एचसीएफ एक्चुअल में था क्या कि एचसीएफ होता है कि वो छोटा नंबर जो उसको डिवाइड कर सके, उस पर दोनों मिलता नहीं। जैसे आप घड़ी वाला प्रॉब्लम भी जब पढ़ते होंगे कि घड़ी या 3 धावक दौड़ने लगा, एक दौड़ रहा है 10 किलोमीटर के स्पीड से, दूसरा 20, तीसरा 30,
तो एक साथ कब मिलेगा, तो एलसीएम निकालते हैं, कहा कि आगे जाके ही एक साथ मिलेगा, पीछे आने पे एक साथ नहीं मिल सकता, पीछे आने पे वो एक साथ नहीं, वो जब भी मिलेगा आगे मल्टीपुल में आगे मिलेगा, वही होता है समापवर्त। और एचसीएफ कुछ और चीज है, एक पहले भी वीडियो दिए हैं, फिर एक वीडियो उसी के बारे में देने वाले हैं और डिटेल कंसेप्ट और उसमें ट्रिक वगैरह। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इसे लाइक कर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मिले इसी तरह का कंसेप्चुअल वीडियो पे मिलता है। तो यहां जब एचसीएफ हम ले लिए, तो एचसीएफ लेने के बाद भी हमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर से वही फ्रैक्शन एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आ गया, फिर वही भिन्न का जोड़ आ गया। जब हम एचसीएफ ले, तो यही सब काउज को इधर उधर करते हुए गणितज्ञ लोग, मैथमेटिशियन लोग जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने हमें बेहतर तरीका सुलझाया कि आप एलसीएम ले लो बिल्कुल आराम से, एकदम से कम मेहनत से, और आराम से रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर कम से कम दो दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, ताकि हमारा भी एनर्जी बूस्टअप हो सके, कि हमें भी लगे कि नहीं, हमारा जो एफर्ट जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, आपके लिए वो सहयोगात्मक हो रहा है। शेष मिलते हैं अगले वीडियो में।